हेलो बच्चों, मेरा नाम है गोविंद और स्वागत है आप सबों का थिंक सेगमेंट के ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, अभी हाल फिलहाल में एक केमिस्ट्री का लेक्चर ही अपलोड होने वाला है और इवेंट हो गया है अपलोड। और उसमें हमारे जो टीचर्स हैं, जैसे कि मैं प्रॉमिस किया था प्रीवियसली कि मैं टीचर देने वाला हूँ केमिस्ट्री के लिए, और फिजिक्स मैथ इंग्लिश में खुद पढ़ाऊँगा, और मैं बायोलॉजी फॉर क्लास टेंथ वो भी देने वाला हूँ। बच्चों, आज पर बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो टॉपिक काफ़ी अच्छा है। और वो साइंस का जो टॉपिक, जैसा कि आपको बताया साइंस में 3 सेक्शंस होते हैं इन क्लास टेंथ। अभी के टाइम में रिवीजन क्रूशियल है बिकॉज एग्जामिनेशन इज़ ऑन द हेड, और उसमें रिवीजन में हम लोगों को किस तरह से कवर करना चाहिए बहुत सीबीएसई बिहार बोर्ड वालों को। तो ये आपका टोटल जो है आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा, वो फिजिक्स के बारे में होने वाला है कि फिजिक्स को हम लोग कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फिजिक्स को कवर करने के लिए हमें समझना होगा कि किस तरह से इसे इस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा सिलेबस है वो बीएससीबी और सीबीएसई का फिजिक्स का, वो इस तरह से है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा, वो हमारा पहला चैप्टर है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जिसे हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं इन हिंदी, वो हमारा सेकेंड चैप्टर है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि विद्युत धारा का जो है, सॉरी लाइट का जो जो रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का बर्तन इन हिंदी, और द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो और आगे हम लोग पढ़ेंगे आदमी का जो आंख होता है और मानव आंख उस रंग बिरंगे संसार, है ना। तो बच्चों, आज का जो पीरियड हमारा होने वाला है वो ऑल, जो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, पहले पता कर लेते हैं कि किस तरह से हमें पढ़ना है। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना इसमें पढ़ने के लिए, वो सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट और सबसे इजी चैप्टर कहोगे तो वो क्लास टेंथ में करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना। उसके बाद हम लोग जैसे जैसे सिंक्रोनाइजेशन उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस किस चैप्टरों पे करेंगे तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन सबों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बच्चों, हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। चलिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है एक्चुअली। सबसे पहले आज का आपका हेडिंग है, हेडिंग लिखना करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरली इसको इलेक्ट्रिसिटी ही सिंपल में बोला जाता है, विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, जब भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे दिमाग में आता है कि हम लोग जब अक्रॉस आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लाइक हमारे घर में बल्ब जलता है, दिस इज इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट होता है तब जलता है, हम आयरन करते हैं अपने कपड़ों में, लाइक अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दैट्स ऑल द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बैटरी है, मोबाइल है, फोन है, एक्सेट्रा। तो बच्चों, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग मतलब जो है विद्युत धारा चैप्टर में हम लोग जो चार्ज से रिगार्डिंग जो काम होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए, जैसे डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें तो हम लोग अक्सर बात करते हैं भाई बैटरी चार्ज है कि नहीं, बैटरी में चार्जिंग कैपेसिटी है कि नहीं, चार्जर खराब हो गया, मतलब क्या कहना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम यही कहना चाहते हैं कि चार्ज को जानना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जानिए चार्ज क्या, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज दैट मीन्स आवेश, है ना। देखो, अगर जनरली हम लोग चार्ज के बारे में बात करें ना, तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि चार्ज जिस तरह का, एक तरह का आपका गुस्सा होता है या आपका डिप्रेशन होता है, तो वो एक इंटरनल फीलिंग होता है। फिजिक्स में हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे चार्ज को, तो चार्ज जो है ना इंटरनल प्रॉपर्टी होता है किसी ऑब्जेक्ट का। चार्ज इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसका इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ओके, सो पहला क्या, दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड, सेकेंड क्या है इसी में डेफिनेशन, दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। मतलब क्या, इसको आप ना तो निर्माण कर सकते हैं चार्ज को, ना ही इसे आप नष्ट कर सकते हैं। और इससे हम जनरली जान लेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, ये भी पता कर लेंगे और चार्ज का डेफिनेशन भी समझ लेंगे। तो
इसे आप ना बना सकते हैं ना ही इसे आप बर्बाद कर सकते हैं। तो आपका काम क्या हो सकता है, यू कैन, तो वी कैन ट्रांसफर इट फॉर, ट्रांसफर इट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू अनदर, है ना। देखो इसको समझो, चार्ज जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल प्रॉपर्टीज है, जिसे ना ही तो निर्माण किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। लेकिन एक काम किया जा सकता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, इस ऑब्जेक्ट से लो और दूसरे ऑब्जेक्ट में डालो। लेकिन क्या होगा, उस केस में भी उस चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा, रिमेन रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि क्या इसका दूसरा कोई फॉर्मूला। हाँ, अब अगर बुक के अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो कहेगा कि चार्ज जो है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, तो ये तो हमारे क्लास 11th 12th का जो डेफिनेशन हो गया, ये हो गया, हमें तो इसे चलना नहीं है, ठीक है। तो हमें चलना कैसे, हमें बताना है भाई चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसे ना ही तो निर्माण किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन हम उसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एक्चुअली बात आता है कि अच्छा चलो, चार्ज होता है, बैटरी में दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। तो सर क्या चार्ज में क्या क्या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है? देखो जनरली जब चार्ज की बात करते हैं ना, तो हम लोग उसमें दो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या इसका दो जो टाइप होता है चार्ज का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना। देखो चार्ज पे अगर बात करोगे तो चार्ज का दो टाइप होगा, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, ठीक है बच्चों, और एक होगा निगेटिव चार्ज। चार्ज की ये दो टाइप हैं, एक में मतलब चार्ज यानी आवेश के प्रकार जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज का सिंबल ये होता है प्लस, मतलब जिसका रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव चार्ज और जो निगेटिव चार्ज होता है ये, ठीक है। अब जनरली वी डिनोट, सबसे पहले डिनोशन देख लीजिए चार्ज का, वी डिनोट चार्ज सी, ओके, ओनली सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज है तो सी, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, देखिए जब भी कोई भी चार्ज पे जो क्वांटिटी लिखा रहता है या उसका जो मेजर रहता है वो पॉजिटिव में दिखाए तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, अगर निगेटिव में दिखाए तो उसे निगेटिव कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको दे रहा हूँ कि आप पॉजिटिव में भी बात अगर हम करते हैं प्लस प्लस चार्ज की, ठीक है। देखिए ये जो दुनिया बना हुआ है ना, ये दुनिया प्लस माइनस से बना हुआ है, प्लस प्लस भी है, लेकिन ये अगर दुनिया चलता है तो प्लस माइनस से चलता है। जैसे कि देर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन मेल टू मेल, देर इज नो एनी अट्रैक्शन बिटवीन फीमेल टू फीमेल, देर इज ओनली अट्रैक्शन बिटवीन क्या, मेल टू फीमेल। सेम केस यहाँ पर लग रहा है, वो केस क्या है कि प्लस प्लस, दैट मीन्स क्या, आप मान लो कि मैं भी बॉय, ठीक है, और कोई भी दूसरा बॉय, ठीक है, दे विल नॉट अट्रैक्ट, दे विल रिपील। सो एग्जाम्पल में अगर देख लो कि एक पॉजिटिव चार्ज ये है और एक पॉजिटिव चार्ज ये है, तो इसे हम लोग एक टर्म आता है, इसे कहते हैं लाइक चार्ज, ठीक है, और एक कहते हैं अनलाइक चार्ज, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लाइक चार्ज पे पहले। लाइक चार्ज क्या होता है कि सेम चार्जेस, ठीक है, सेम चार्जेस। तो लाइक चार्जेस जैसा कि देखो, सेम चार्जेस अगर सेम चार्जेस को एक जगह प्लेस करोगे तो क्या होगा, दे विल रिपील इच अदर, क्या करेगा, एक दूसरे को रिपील करेगा, दे विल रिपील इच अदर। सो यहाँ पे देखो रिपील करेगा, और मान लो कि अगर हम माइनस माइनस को एक साथ रखते तो क्या हुआ, ऑब्वियसली इट इज निगेटिव चार्ज, बट ये भी रिपील करेगा क्योंकि प्रॉपर्टी दोनों का क्या है, सेम सेम है। तो इस यहाँ पर बात क्या आती है कि लाइक चार्ज नेवर अट्रैक्ट, पहला पॉइंट क्या आता है, पहला पॉइंट क्या आता है कि लाइक चार्ज नेवर अट्रैक्ट, है ना। लाइक चार्ज क्या करता है, कभी अट्रैक्ट नहीं करता। फिर क्या होता है, अब देखो अब हम लोग बात करते हैं अनलाइक चार्ज पे, ठीक है। तो अनलाइक चार्ज पे अगर बात करें, मान लो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इट विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये क्या करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या बच्चों, प्लस है, इट विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि लाइक चार्ज जो है कभी अट्रैक्ट नहीं करता है, बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दूसरा पॉइंट नोट कर लेना, है ना। अब इसे मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, देखो अनलाइक चार्ज की अगर बात करें, अनलाइक चार्ज ये प्लस है और ये माइनस है,
अच्छा बताओ, इस दोनों का प्रॉपर्टी सेम? नहीं, एक प्लस प्रॉपर्टी का और एक माइनस प्रॉपर्टी का, तो दोनों को जब एक कॉम्बिनेशन में लाएंगे, सटाएंगे, इट विल अट्रैक्ट इच अदर, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, इस दोनों में बंधा जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल का आया, अनलाइक चार्ज लाइक इच अदर, मतलब एक दूसरे को पसंद करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, क्या करते हैं, अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ओके, सो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, है ना, क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। अब अनलाइक चार्ज जब अट्रैक्ट इच अदर करेगा, तो क्या इसका कोई ऐसा यूनिट पॉसिबल है क्या सर, ये कौन सा क्वांटिटी होगा, कौन सा लेवल? जैसे बच्चों आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में, अगर वो आपको पता नहीं है ना बच्चों, तो एक बार फिर से समझ लो। वेक्टर क्वांटिटी जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो फोर्स, है ना। अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन का कोई नाम का चीज नहीं होता, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते थे। बच्चों सबसे पहला चीज जो दिमाग में आना चाहिए कि चार्ज, व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है, आवेश एक अदिश राशि है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। क्या बच्चों, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ना। अब देखो, चार्ज, व्हाई चार्ज इज ओनली स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं है। चार्ज के पास है, क्वांटिटी है, लेकिन इसके पास मात्रा डिफाइन करने के लिए है, लेकिन वो मात्रा किस तरह का डिफाइन है, वो है स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों दिमाग में रखना है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ से बात आता है कि चार्ज किस तरह का यूनिट है, चार्ज किस तरह का यूनिट है। तो चार्ज जो है एक यूनिट डेफिनेशन ये है कि स्केलर क्वांटिटी है। अब चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट चार्ज, सो यहाँ पर चार्ज का ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, कूलम। क्या होगा बच्चों, कूलम, है ना, सी से जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ना, या बहुत जनरली बुक में क्यू से भी इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा और डीप में चार्ज हम लोग घुसते हैं या जाते हैं, तो बच्चों यहाँ से क्या क्या निकल के आ रहा है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि बोलो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, देन वी विल हैव टू गिव क्या, कूलम। और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे जो हमारा है वो इम्पोर्टेंट है कि बच्चों आखिर जो प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज पर कितना असर डालता है, चलो देखते हैं। अब देखो, मान लो कि नाभि में अगर हम बात करें, यानी कि एटम के नाभि में अगर प्लस की बात करें, प्रोटॉन की बात, तो जब एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के साथ रखोगे तो क्या करेगा, बोलो, टेल मी व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट। जब एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के साथ रखोगे तो दे हैव सेम करेक्टर, एक जैसा ही करेक्टर है, तो दे विल रिपील ईच अदर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, व्हेन वी, पॉइंट क्या निकल गया, व्हेन वी पुट क्या, व्हेन वी पुट सेम चार्जेस एट अ प्लेस, दे विल रिपील ईच अदर, क्या करेंगे, रिपील ईच अदर, मतलब एक दूसरे को फेंक देंगे, एक दूसरे को, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। अब इसी केस में हम अगर बात करें, इसी केस में अगर हम बात करें कि भाई अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ रखा जाए तो क्या होगा, देन दे विल अट्रैक्ट इच अदर। अगर मान लो कि यहाँ पर प्रोटॉन रख दिया और यहाँ पर हमें निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन रख दिए, क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है कि अट्रैक्शन ओनली बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस, सेम करेक्टर है तो देर विल बी नो एनी अट्रैक्शन, दे विल वर्क इच अदर। ठीक है, अलग अलग काम करके पार्ट, लेकिन जब जो हमारा करेक्टर जो है अलग अलग हो तो वहां पर क्या करेगा, अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, जैसे कि प्रोटोन है, ये इसका पॉजिटिव करेक्टर है, किस तरह का बच्चा करेक्टर है, पॉजिटिव करेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द करेक्टर ऑफ दिस, ये निगेटिव, सो दिस रीजन दे विल अट्रैक्ट इच अदर। तो क्या बात है कि प्रोटोन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव में चार्ज, वो देखेंगे, सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम।
दिस विल बी निगेटिव, क्या होगा ये निगेटिव में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किस तरह होता है निगेटिव में, प्रोटॉन पे बात करते हैं तो पॉजिटिव में, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, आप ये देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पे जो है चार्ज होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आखिर Q किसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए अब Q किसके बराबर होता है, इससे इसके बारे में हम लोग जानने से पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर कूलम्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कूलम। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन कूलम के लॉ को जानने से पहले हम लोग पता कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज संरक्षित नियम क्या है। ठीक है, चलिए तो मैंने शुरुआत में जो डेफिनेशन दिया था चार्ज का, वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज ही था और कुछ नहीं था, दैट इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। चलो देखते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज क्या कहता है। लॉ ऑफ चार्ज है ना, चलो क्या कहता है इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड,